ये हाले, ये हमारे सावा भाई ने सारी बूटियाँ खा ली है, कुछ छोड़ी नहीं हमारे लिए। और ये नान भाई से बताएंगे इस बारे में। मैं बातों में क्या लगा, खाने मंडी है, लोन है यार मेरा, दिल्ली ला दो। कैसे हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं बूटियां खाने के लिए, नमकीन। चले Your heart is my violin, watching you sleep is comforting, don't निकले आयशा मंजिल से। आयशा मंजिल से आसिफ का रोड है सिर्फ 10 मिनट का रास्ता हुआ मेरी गाड़ी में। रात के वक्त से 5 मिनट में वापसी आते हैं, ठीक है। अभी हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और बहुत ही उम्दा टेस्ट होता है नमकीन टाइप का, और कहीं और मिलेगा नहीं, वहाँ रोज भी मिलता है। शायद उससे हम रोज भी खा लें, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वकास, मैं और उसामा। जो बात है ये, और हमारा आज इवेंट नहीं है तो हमें चांस मिला है, और हम लेट नाइट जाते, लेट नाइट इतना खास मज़ा नहीं आता। अभी ऑन द पीक टाइम है 1 बजे का और मज़ा आने वाला है फुल। तो आप आगे सीन्स चेक करें। हम आए हुए, ये है आपको मिलेगा आसिफ पे, बैक साइड पे अंदर आना पड़ा, रियल अंदर ही है। और यहाँ की बैठक की है, ये लोकेशन बहुत अच्छी है हमारे लिए, हम लॉन्डो के लिए। आप लोग अगर नमकीन बोटी के शौकीन हैं तो आप यहाँ ज़रूर आइए एक दफ़ा, बहुत क्लासी है। और एक दफ़ा जब आएंगे ना तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। मैं वैसे मटन का शौकीन नहीं हूँ, बट यहाँ की जो बोटी है ना, वो मुझे मटन पे फिदा होने पर मजबूर कर रही है, और मैं मजबूर होना चाहता हूँ। ऑर्डर हमने क्या दिया आप यही सोच रहे होंगे, तो ऑर्डर हमने दिया अभी एक दर्जन गरम गरम नमकीन बोटियाँ, अभी रोस्ट बोला है देखें। और नमकीन बोटी के साथ इनका होता है दही, जो ज़ीरा और थोड़ा मतलब मिर्ची सा रायता टाइप का होता है, वो क्लास का होता है, तो वो लाना और लेना बहुत ज़रूरी है। तो इनसे ही मिलेगा आपको। और एक रोटी मिलेगी लंबी वाली, जिसकी प्राइस सिर्फ 40 रुपये एक रोटी, 5 बंदे बहुत है जानी, क्या पेट भर के खाओगे क्या? मैं पहले तो आया नहीं था, खैर यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं नान भाई के साथ ही आया था यहाँ पर, तो मेरे को कभी आइडिया नहीं था कि यहाँ की रोटियाँ अच्छी होती हैं, क्योंकि मैं आया नहीं था। अदनान भाई के साथ आया, उसके बाद मुझे पसंद आया। आज ये सेकंड टाइम आ रहा हूँ मैं, और वो भी अदनान भाई ने एक दफ़ा बोला सामान चल रहा है, मैंने बोला चलो। पहले सबसे हमारा कब से हमारा इंटरव्यू रहा लगा, कब से हमारा इंटरव्यू रहता है, इसका भी इंटरव्यू लेते हैं भाई। वकास, आप पहली दफ़ा आए हो यहाँ? जी भाई, मैं पहली दफ़ा आया, और मुझे माहौल देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि ना बस कुछ दिल खुश होने वाला है, दिल खुश होने वाला है, दिल पागल हो जाएगा, उछलेगा दौड़ेगा, जगह मेरे को बहुत पसंद आई है, VIP जगह है। और यहाँ पे जो मतलब पकाने वाले हैं उनके जो अंदाज़ है ना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बना रहे हैं कि अब हम ये बनाएंगे, और ये बोटियाँ फुल कड़क मड़क या शबक शबक, तो मतलब अब खाने में मज़ा आने वाला है। और अदनान भाई के साथ हैं हम, खाली 3 बंदे हैं, ज़्यादा बंदे भी नहीं पाले हमने, बस कम बंदे रखो ताकि मज़ा अलग आए और इंजॉय अलग हो। अभी हमें एक और बंदे से इंटरव्यू लेना है, मुश्किल वहाँ पे इधर उधर घूम रहा है, अभी उस बंदे को आने दो, हम पकड़ के बिठाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, फिर आपको बताते हैं तफसील से। जस्ट वेट एंड वॉच। गरम गरम बोटियाँ, गरम गरम बोटियाँ, आ जाओ ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ये बोटियाँ भाई हमारी, ये ठंडी हो जाएगी, बट आपको सिनेमैटिक शॉट मैं बनाऊंगा, आपको एक एक शॉट दिखाऊंगा। रोटी भी लिया, रोटी भी लिया, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त। अब आप खाएंगे, अब आप भी इंशाल्लाह बताइएगा, हमारी तरफ से तो बिल्कुल ओके है, बेहतरीन हो गया, थैंक यू सो मच। और मेरे भाई, ये हमारे दूसरे मेंबर आ गए, अदनान समी, आप जानते होंगे उनको, तो ये भाई अभी इनको ठंड लग रही है, बताएंगे आपको ठंड के बारे में। ओए ओए, बहुत बुरी ठंड है भाई, हालत बुरी हो गई है भाई, बोले के भूख भूख। मैंने खाया नहीं था, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ झूठ झूठ, ये सारी सीखे की तरफ है, ये सीखे मेरी तरफ कर दी गई है वल्ला, ये सीखे मेरी तरफ। अब ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये सीखे इजाद हुई है, झूठ बोल रहा है, ये सीखे इजाद के लिए हमने आज ही उसामा के लिए ऊपर से आई है। अल हरमेन अल हरमेन अल हरमेन में
चल उसामा को टिश्यू के डब्बे मिल गए हैं और जो मेरी गाड़ी के बोनेट पे पड़े होते हैं ना गाड़ने के चक्कर में ये बंदा ये शख्स गाड़ी में यूज कर चुके हैं बाकी के टिश्यू हम गाड़ी में यूज करेंगे ये बंदा डकैत है कहीं अगर आप लोग कहीं पे भी दिखे तो आप लोग अपने टिश्यू बचा के रखिएगा इस बंदे से ये बंदा चोर है बिल्कुल टिश्यू गाड़ू है टिश्यू गाड़ू चोर नहीं है चोर नहीं टिश्यू गाड़ू अलग होते हैं टिश्यू गाड़ू काटता है बस छोटी मोटी चोरियां तो चलती रहती है बड़े बड़े मुल्क में सारे पैसे इस दही के इसको रुआ खाना चाहिए और वो बोटियां आ रही हैं आ जाओ आ जा रे आ जा मोरी बाल बाल मेरी बोटियां आ जा दिल की प्यास बुझा जा रे मंडो यार यहाँ बैटिंग लग गई उसामा ने पूरा अमर से जीत लिया अभी उसामा को भूख लग रही है उसामा क्यों इतना खा रहे हो भाई आजकल क्योंकि आज हमारा इवेंट नहीं था और इवेंट की वजह से हमने आज पूरा साफ कर लिया दही भी इसका खत्म हो गया हमारा दही अभी बड़ा हुआ ये देखे दही बहुत सारा पड़ा हुआ अदनान भाई का दही नहीं चाहिए अदनान भाई का तो मगर उसामा हल्के में नहीं आ रहा भाई उसामा टिश्यू काटने की मूड में ये एक ये दो कहा डालोगे अभी तक हम दो दर्जन मंड चुके हैं और अभी और मंडने का इरादा है हमारा सिर्फ दो दर्जन का ये और अभी फुल मंडनी है आज इवेंट नहीं था मैं घर में वैसे खाना खा के आऊँ सच बताऊँ मुझे बट ये पर्सनली बहुत पसंद है और बेहद पसंद है मतलब इसका जो नमक उतना मुंह में जाता है बोले जाता है हम लोगों को ये कहना चाहता है कि भाई आप लोग आ जाओ दूर दूर से आ जाओ मुश्किल खान के पास अफगानी खाने के लिए ये खाना बड़ा स्मार्ट खाना है इसमें मसाले टाइप को कोई भी चीज़ नहीं है सारे बगैर मसाले का खाना है अफगानी पुलाव मिलता है सिख बोटी मिलता है नमकीन रोज मिलता है और ख़ास बात यह है कि इसके पास जो कहवा है लोग कहवा पीता है खाने के ऊपर और बैठने का जगह ये शोर शराबा फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी इतना मोहब्बत करता है कस्टमर से कस्टमर जो है बहुत दूर से आते हैं हमारे कोशिश करता है कोई और जगह नहीं जाता हमारे पास आता है सर डिस्काउंट हमारा जो हम दो मोहब्बत करता है उसकी इज्जत करता है उसकी खिदमत ये हमारे लिए उसके लिए डिस्काउंट है बाकी ख्याल रखता है दोस्तों का बहुत दूर दूर से आते हैं दोस्तों का ख्याल बड़ा रखता है इतना मुश्किल खान है लोग पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये मुश्किल खान नाम कैसे रखा है हमने कहा ये हमारा माँ का गलती है कि मुश्किल खान नाम क्यों रखा है कुछ लोग मुश्किल खान बोलता है कुछ लोग डुप्लिकल खान बोलता है कुछ लोग कोई और नाम से मशहूर करता है लेकिन एक बात है मामा मेरे चेड़े मामा नहीं बोल मामा चेड़े मेरा बहुत ख़तरनाक लाला भी नहीं बोल और खान साहब भी नहीं बोल लाला वो है जिसने पेशावर जिले को छोड़ के कराची का तरफ से खेला था खान साहब वो है जो कुर्सी में स्टैम बैठा हुआ है लोग उसको नहीं पसंद करते बोला महंगाई कर बना है लेकिन हम पसंद करते हैं इसलिए कि बंदा अच्छा है ईमानदार है आप लोगों को और आपको सारे दोस्तों का हमारे ये पैगाम है कि आप लोग सब आ जाओ हमारे पास खाने के लिए वो बहुत से ज़्यादा शेयर करो ये हमारा दोस्त है और ये मुश्किल खान भी इसका दोस्त है इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक दो जितना लाइक दे सकता दे दो कम ऑन ये इनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है और ये अभी हमें बदाम देंगे बदाम देते हैं भाई हमें ताकि हम लोग जाएँ यहाँ से नफीजुल्ला बहुत ये देखो भाई सारे पैसे इसके ये चॉकलेट भी ले लो और चॉकलेट भी आ गई ये हमारे और भी आए और भी और भी आए और भी आए और भी खाएं और आए यहाँ से खाएं इनकी मेहमान नवाजी बेस्ट है जैसे कि आपने देखा यहाँ कोयटा वाला माहौल बन जाता है यानी तो आप ज़रूर आएगा एक दफ़ा ज़रूर चेक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कर दिएगा मेरे भाई सब मेहनत करते हैं फल मिलना चाहिए यानी फल नहीं बादाम मिलने हैं अगले ब्लॉग में अपना बहुत करके अल्लाह और मेरे भाई का पेज जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा भाई थैंक यू सो मच।